नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यानी स्पीड के आधार पर जो प्रिंटर हैं उन वो पढ़ाने वाला हूं कि स्पीड के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों के लिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कैरेक्टर प्रिंटर, सॉरी इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में आपको बता चुका था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ कि गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करिए, अपने दोस्तों को बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि गाइस, आप इस वीडियो को, जो भी आप वीडियो देखते हो, सबसे पहले तो उसे लाइक कर दिया करो। लाइक से क्या होता है सर जी, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और बेहतर करने का एक जुनून पैदा होता है, एक ताकत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि यार आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो कंटेंट या फिर जो एक्सप्लेनेशन वो आपको पसंद आ रहा है, तो और अच्छा और थोड़ा सा विश्वास जग जाता है यार, एक मोटिवेशन आ जाता है, समझ रहे हो। तो एक लाइक तो कर ही दिया करो, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक लाइक दबा दिया करो, लाइक थम्सअप कर ही दिया करो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप क्या करो, लाइक तो अभी कर ही दो, ठीक है। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है, स्पीड के आधार पर प्रिंटर। तो स्पीड के आधार पर प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है अपना लाइन प्रिंटर, ठीक है। एक होता है लाइन प्रिंटर और एक होता है अपना पेज प्रिंटर। कौन कौन से प्रिंटर होते हैं स्पीड के आधार पर, स्पीड के आधार पर प्रिंटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी, पहली कैटेगरी है कैरेक्टर प्रिंटर, सेकेंड कैटेगरी है लाइन प्रिंटर, थर्ड कैटेगरी है अपनी क्या, पेज प्रिंटर। देखो इन्हें स्पीड के आधार पर क्यों इन्हें स्पीड के आधार पर क्यों रखा, कैरेक्टर को, लाइन को और पेज को, आप ही बताओगे। देखना क्या कैरेक्टर मतलब, एक कैरेक्टर मतलब क्या, एक कैरेक्टर मतलब एक, जैसे मैंने उत्तम नाम लिखा, उत्तम में क्या है, एक कैरेक्टर यू है, समझ रहे, एक वर्ण यू है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है, एक तो ये प्रिंटर हो गया। एक ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में एक लाइन प्रिंट कर देता है। एक ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में एक बड़ा पेज प्रिंट कर देता है। तो ये स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, जो प्रिंटर एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट कर रहा उसकी कम स्पीड होगी, जो प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट कर रहा उसकी ज़्यादा स्पीड होगी, जो प्रिंटर एक बार में एक पेज ही प्रिंट कर रहा है तो उसकी स्पीड तो और ज़्यादा होगी ना मेरे भाई, समझ रहो। इसलिए इन्हें किसके आधार पर रखा गया है, स्पीड के आधार पर इन्हें रखा गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में। ऐसा कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में क्या है, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, ऐसे प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर और डेसी भील प्रिंटर। आपको देखो रटना पड़ेगा कि कैरेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। कैरेक्टर किसके अंतर्गत आता है, अकॉर्डिंग टू स्पीड के अंतर्गत। और उस कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं तीन प्रिंटर, कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डेसी भील प्रिंटर, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कैरेक्टर प्रिंटर है या फिर निम्नलिखित में से कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको ये तीनों याद होंगे तो आप टिक कर सकते हो कि ये कैरेक्टर प्रिंटर है और ये कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं अगला। देखो कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में जरा सी इन्फॉर्मेशन और लीजिएगा। जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, सी
CPS में, यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी जितने भी कैरेक्टर प्रिंटर हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड भी CPS में मापी जाती है, इंकजेट प्रिंटर की भी स्पीड CPS में मापी जाती है, डेसीबील प्रिंटर की स्पीड भी किस में मापी जाती है, CPS कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है, ठीक है। और एक बार में क्या करते हैं, कैरेक्टर, एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। एक बात और, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत जो प्रिंटर आते हैं, उन प्रिंटर में से एकमात्र ऐसा प्रिंटर जिसकी प्रिंटिंग मैट्रिक्स फॉर्म में, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, जो लगातार हमसे जुड़ा है उसे पता होगा, जैसे इस डॉट 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 में जो लिखा जाता है वो मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, कोई भी प्रिंटिंग मैट्रिक्स फॉर्म में करता है, और इंकजेट और डेसीबील प्रिंटर सॉलिड फॉर्म में करता है, यानी डॉट डॉट नहीं, ऐसे यू ऐसे बना दिए सॉलिड, तो ये सॉलिड फॉर्म हो गया। तो सॉलिड फॉर्म में प्रिंट करता है कौन, इंकजेट और डेसीबील प्रिंटर। ये तीन बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, इंकजेट प्रिंटर के, सॉरी कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में। अगला प्रिंटर अपन देखते हैं कौन सा है, अगला प्रिंटर अपना लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, मतलब ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं लाइन प्रिंटर कहलाते हैं, ठीक है। लाइन प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ये सभी प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, जो सभी लाइन प्रिंटर हैं, कौन कौन से, लाइन प्रिंटर कौन कौन से हैं, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये तीनों जो प्रिंटर हैं वो प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर भी कहलाते हैं। देखो कैसे इंपैक्ट प्रिंटर कहलाएं, पहली बात तो आप देख लीजिएगा लाइन प्रिंटर कौन कौन से हैं, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। यानी चैन प्रिंटर क्या करता है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, ड्रम प्रिंटर क्या करता है, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, बैंड प्रिंटर भी क्या करता है, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। तो ये तीनों क्या कहलाए, लाइन प्रिंटर कहलाए। अब आप मुझे ये बताइए कि लाइन प्रिंटर के अंतर्गत ये तीनों प्रिंटर आ रहे हैं, क्या चैन प्रिंटर में हैमर और रिबन का यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या ड्रम प्रिंटर में हैमर और रिबन का यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या बैंड प्रिंटर में हैमर और रिबन का यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों प्रिंटर में हैमर और रिबन का यूज हो रहा है, और ये तीनों प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं, लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि लाइन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इंपैक्ट, अब आपको देखो ज्यादा आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैंने इन्हें इंपैक्ट के अंतर्गत कैसे रख दिया, इसलिए रख दिया क्योंकि इंपैक्ट की डेफिनेशन है ऐसे प्रिंटर्स जिनमें हैमर और रिबन का यूज किया जाता है इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। तो ये तीनों प्रिंटर जो हैं इनमें हैमर और रिबन का यूज हो रहा है, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर भी कहा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। लाइन प्रिंटर की स्पीड LPM में मापी जाती है, लाइन पर मिनट, ठीक है। LPM में किसकी स्पीड, लाइन प्रिंटर की, जैसे चैन प्रिंटर की भी स्पीड LPM में, ड्रम प्रिंटर की स्पीड LPM में, बैंड प्रिंटर की स्पीड भी LPM में मापी जाती है। अगले पॉइंट पर अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है अपना पेज प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जिनके द्वारा एक बार में एक पेज प्रिंट किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, पेज प्रिंटर कहलाते हैं, ठीक है। और एक बात और, पेज प्रिंटर होते कौन कौन से हैं, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये दोनों जो प्रिंटर हैं वो प्रिंटर क्या कहलाते हैं, पेज प्रिंटर कहलाते हैं, ठीक है। और पेज प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, पेज पर मिनट PPM में, किस में मापी जाती है, PPM में मापी जाती है, पेज पर मिनट। आपसे बोला जाए थर्मल प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो PPM में, पेज पर मिनट। आपसे पूछा जाए लेजर प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो PPM में, पेज पर मिनट में मापी जाती है। एक बात और, क्या थर्मल प्रिंटर में हैमर रिबन का यूज हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या लेजर प्रिंटर में हैमर और रिबन का यूज हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबन का यूज नहीं किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, बताइए, बोलिए 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 बोलिए, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर।
तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो पेज प्रिंटर हैं वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं? बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि पेज के अंतर्गत थर्मल और लेजर आ रहा है, और लेजर और थर्मल में कहीं से कहीं तक हैमर और रिबन का यूज नहीं हो रहा, इसलिए जो क्या है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, कौन से पेज प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ठीक है, अब पेज जो प्रिंटर होते हैं वो 1 मिनट में 20,000 लाइन प्रिंट कर सकते हैं, यानी उनकी स्पीड है, पेज प्रिंटर की जो स्पीड है वो क्या है, 1 मिनट में 22,000 लाइन प्रिंट कर सकता है कौन, पेज प्रिंटर, चाहे वो थर्मल प्रिंटर हो चाहे वो लेजर प्रिंटर हो। उसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में अपन अगली वीडियो में देखेंगे, जो प्लॉटर है उसके बारे में अपन आने वाली अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की मजदूरी यहीं पर ख़त्म करते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमको क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है, जो मेरा कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है। और गाइस थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा, इस एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस जो अपनी फैमिली है उसकी थोड़ी सी मदद करो, अपने 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइएगा जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा एफर्ट डालो। उससे क्या होगा, उसके बाद 1,000 सब्सक्राइबर होने के बाद अपन अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। हाँ, लाइव क्लासेस के आप बेनिफिट जानते ही हो, अपना एक अटैचमेंट हो जाता है, एक मतलब एक बॉन्डिंग हो जाती है स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स और मेरे बीच समझ हो जाती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइएगा, इस यही माध्यम है अपने 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, क्या वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करना। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जो फोटो दिख रहा है मेरा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।